नमस्कार, बायोग्राफी टीवी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम बात की शुरुआत करें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो मैंने ना तो गांधी को महात्मा साबित करने के लिए बनाया है और ना ही दोषी। मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सामने इस विषय से जुड़े तथ्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी। हो सके तो इस वीडियो को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। पाँच मार्च 1931 को इस बात को जानते हुए कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ नहीं की गई है, गांधी जी ने गांधी व इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। बगावत के डर से घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने सॉन्डर्स व सिपाही चमन सिंह की हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी करार कर फांसी की तय 24 तारीख से एक दिन पहले ही 23 तारीख को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी तथा उन धूर्तों ने उनका शव भी उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा। फांसी की खबर फैलते ही देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये आक्रोश केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि गांधी के खिलाफ भी था, क्योंकि गांधी ने गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह व उनके साथियों की रिहाई को समझौते की एक शर्त नहीं बनाया था और फांसी की बात जानते हुए भी पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। श्री राजीव दीक्षित, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन किया है, उनके अनुसार 1930 से 31 के बीच जब गांधी लंदन में थे तो उन्होंने वहां इरविन से भगत सिंह के बारे में सजा माफ़ी के लिए बात की थी। तब इरविन ने गांधी जी के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर भगत सिंह हस्ताक्षर सहित लिखित माफ़ी मांग लेंगे तो वे उनकी सज़ा माफ़ कर देंगे। राजीव दीक्षित के अनुसार गांधी ने तेज बहादुर सप्रू को लंदन से टेलीग्राम लिखा और सप्रू गांधी जी की बात लेकर भगत सिंह से लाहौर जेल में मिले, पर भगत सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी, अंग्रेजों की संसद में से। उसी समय संयोग से 1930 और 31 में महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से वार्ता करने के लिए। अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा नेता था, व्यक्ति था, लीडर था, वो इरविन था। इरविन के साथ गांधी जी की बात जब चल रही थी तो इरविन ने गांधी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंह की सजा को माफ कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा बिना शर्त, तो उन्होंने कहा नहीं, बिना शर्त तो नहीं, शर्त है उसकी। शर्त क्या है? तो गांधी जी के सामने इरविन ने कहा कि देखिए, हमारी एक ही शर्त है कि आप भगत सिंह जी को निवेदन करें, अपील करें कि वो एक माफीनामा लिखें और भगत सिंह जी के हस्ताक्षर उस पर हों, तो मैं अपनी संसद को कहूंगा कि वो एक स्वर से भगत सिंह की सजा को माफ करें। गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी कोई भी शर्त मान नहीं सकता जिसके बारे में भगत सिंह जी का कंसेंट मेरे पास ना हो। तो इरविन ने कहा कि आप भगत सिंह जी का कंसेंट ले लीजिए, समय आपके पास है, एक साल का वक्त है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंत थोड़ी 2-4 दिन की आपसे मोहलत चाहता हूं, मैं एक टेलीग्राम करूंगा, मेरे एक मित्र को टेलीग्राम करूंगा, वो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी को मिलेगा और आपने जो कहा है मैं वो भगत सिंह जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अगर बात बनती है तो हम इस पर आगे जाएंगे। गांधी जी ने एक टेलीग्राम किया, भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, अलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ऊंचे वकील माने जाते थे, कश्मीरी थे। गांधी जी का टेलीग्राम सप्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहौर जेल में, भगत सिंह जी को मिलकर आओ और पूछो कि इरविन ऐसा कहता है कि आप एक माफीनामा लिखकर दो तो आपकी सजा फांसी की माफ की जा सकती है। सप्रू जी जब पहुंचे भगत सिंह जी को मिलने के लिए और ये जानकारी उन्होंने जब भगत सिंह जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए माफीनामा लिखने का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात सही है कि भगत सिंह ब्रिटिशों के आगे कभी नहीं झुके।
पर क्या सचमुच गांधी ने लंदन से टेलीग्राम भेजकर सप्रू को भेजा था? यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तारी दी थी और 23 मार्च 1931 को ही उनको फांसी दे दी गई थी, जबकि गांधी जी 29 अगस्त 1931 को बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। इससे एक बात तो पूरी तरह साफ है कि गांधी जी शहीद भगत सिंह की मृत्यु के बाद लंदन गए थे, ना कि पहले। अतः ये बात पूरी तरह संदेहों से घिरी है। पर यह बात सही है कि गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजकर तेज बहादुर सप्रू एस श्रीनिवास शास्त्री को भगत सिंह के विषय में विचार करने हेतु आग्रह किया था। फांसी से करीब 2 महीने पहले 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में गांधी ने कहा था, जिन कैदियों को फांसी की सज़ा मिली है उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, पर यह तो मेरी निजी राय है, इसे समझौते की शर्त बना सकते हैं या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी भगत सिंह के संबंध में गांधी के साथ हुई बात का जिक्र किया था। उनके अनुसार गांधी अहिंसा में यकीन रखते हैं, अतः वे किसी की भी जान के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सज़ा मुलतवी कर देनी चाहिए। फरवरी 1931 में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन ने एक टेलीग्राम वायसराय को भेजकर कहा था कि उन्हें फांसी की तारीख जानकर खुशी होगी। 17 फरवरी 1931 को जब गांधी व इरविन के बीच बातचीत की शुरुआत हुई तो लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें, शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सज़ा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी, मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने अपना पक्ष इस प्रकार लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी, हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु व सुखदेव की सज़ा कम करे, मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। फरवरी 1931 को जब बिरला ने गांधी से इरविन व भगत सिंह के विषय में पूछा तो गांधी ने कहा, मैंने उनसे भगत सिंह के बारे में बात की, मैंने भगत सिंह के बारे में कहा वह बहादुर तो हैं ही पर उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इतना ज़रूर कहूँगा फिर भी मृत्युदंड बुरी चीज़ है क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं देती, मैं तो मानवीय दृष्टिकोण से यह बात आपके सामने रख रहा हूँ और देश में नाहक तूफान न उठ खड़ा हो इसलिए सज़ा मुलतवी कर देने का इच्छुक हूँ। मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन की जब शुरुआत हुई तो गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुँचे। वहाँ उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल व गांधी मुर्दाबाद के नारों के साथ हुआ। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को कई लोग जहां गांधी रुके थे वहां पहुंचे और चिल्लाने लगे, कहां है खूनी? वहां पर लोगों ने काफ़ी समय तक गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कराची अधिवेशन में फांसी के सवाल पर गांधी आगे बोले, किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। तभी एक व्यक्ति ने गांधी से चिल्लाकर पूछा, आपने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया? इस पर गांधी ने कहा, मैं यहाँ अपना बचाव करने के लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से यह नहीं बताया कि भगत सिंह व उनके साथियों को बचाने के लिए मैंने क्या क्या किया। मैं वायसराय को जिस तरह समझा सकता था उस तरह मैंने समझाया, समझाने की जितनी शक्ति मुझमें थी वह सब मैंने उन पर आजमा कर देखी। भगत सिंह की परिवार वालों के साथ निश्चिंत आखिरी मुलाकात के दिन यानी 23 मार्च को सवेरे मैंने वायसराय को एक खानगी खत लिखा था, उसमें मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी पर सब बेकार हुआ। गांधी जी ने वायसराय को लिखे इस पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, आपको यह पत्र लिखना आपके प्रति क्रूरता करने जैसा लगता है, पर शांति के हित में अंतिम अपील करना आवश्यक है। यद्यपि आपने मुझे साफ साफ बता दिया था कि भगत सिंह व अन्य 2 लोगों की मौत की सज़ा में कोई रियायत किए जाने की आशा नहीं है, फिर भी आपने मेरे शनिवार के निवेदन पर विचार करने को कहा था। डॉक्टर सप्रू मुझसे कल मिले और उन्होंने मुझे बताया
कि आप इस मामले में कोई रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं। यदि इस विषय पर पुनः विचार करने की कोई गुंजाइश हो तो मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। लोकमत, वह सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई आदर्श दाव पर ना लगा हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। वस्तुतः मामले की स्थिति ऐसी है कि सजा में अगर रियायत होती है तो संभव है देश में आंतरिक शांति की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, पर निसंदेह यदि मौत की सजा हुई तो शांति खतरे में पड़ जाएगी। चूंकि आप शांति स्थापना के लिए मेरे प्रभाव को, जैसे भी वह है, उपयोगी समझते प्रतीत होते हैं, इसलिए अकारण ही मेरी स्थिति को भविष्य के लिए और ज़्यादा कठिन मत बनाइए। यूं ही वह कुछ सरल नहीं है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी देर की गुंजाइश है तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें। यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं आ सकता हूँ, यद्यपि मैं बोल नहीं सकूँगा क्योंकि मेरा मौन व्रत है, पर मैं सुन सकता हूँ और जो कुछ कहना चाहता हूँ वह लिखकर बता सकता हूँ। दया कभी निष्फल नहीं जाती। सुभाष चंद्र बोस के भी संबंध में गांधी से मतभेद थे। उन्होंने कहा था, हमारे और अंग्रेजों के बीच खून के सागर और लाशों के पहाड़ हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो हमें इस समझौते को मानने को मजबूर करे जिस पर गांधी ने हस्ताक्षर किए हैं। सुभाष जी का कहना था कि जब ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की रिहाई कर ही नहीं रही थी तो उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए ही क्यों। सुभाष चंद्र बोस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने गांधी से विनती की थी कि अगर ज़रूरत पड़ती तो वे भगत सिंह की फांसी के सवाल पर वे वायसराय से संबंधों को तोड़ दें। वे आगे लिखते हैं कि क्योंकि महात्मा स्वयं को क्रांतिकारियों के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते थे, अतः वे उस हद तक नहीं गए और इस बात ने प्राकृतिक रूप से एक गहरा भेद प्रकट कर दिया। वायसराय समझ गए कि गांधी उनसे इस बात पर समझौते को नहीं तोड़ेंगे। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी ने 29 मार्च 1931 को गुजराती नवजीवन में लिखा था, वीर भगत सिंह और उनके दो साथी फांसी पर चढ़ गए। उनकी देह को बचाने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, कुछ आशा भी बंधी पर वह व्यर्थ हुई। भगत सिंह को जीवित रहने की इच्छा नहीं थी, उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। यदि वे जीते रहने को तैयार होते तो या तो वह दूसरों के कार्य करने की दृष्टि से होता, या फिर इसलिए होता कि उनकी फांसी से कोई आवेश में आकर व्यर्थ ही किसी का खून न करे। पर इसके साथ ही गांधी जी ने भगत सिंह के विषय में यह भी कहा था, भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था, उनकी वीरता को नमन है लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो जाए तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। आइए अब इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों व विद्वानों के मतों को समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील एजी नुरानी अपनी पुस्तक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि गांधी द्वारा भगत सिंह को बचाए जाने के प्रयास आधे दिल से किए गए थे। उन्होंने वायसराय पर उचित दबाव नहीं बनाया। वे आगे लिखते हैं कि भगत सिंह जब जेल में भूख हड़ताल पर थे तब भी गांधी ने उनका हालचाल लेने की जहमत नहीं उठाई, और साथ ही उन्होंने वायसराय से भगत सिंह की सजा को कम करने की बात की, न कि सजा को समाप्त करने की। नुरानी के अनुसार गांधी का सारा ध्यान गांधी इरविन पैक्ट को बचाने पर था, न कि देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले नौजवानों के प्राणों की रक्षा हेतु।
इस संबंध में के खुल्लर कहते हैं, वायसराय गांधी से ज़्यादा चालाक साबित हुआ। उसने गांधी को ऐसे दिखाया कि जैसे उसे क्रांतिकारियों से सहानुभूति हो और वह इस विषय को लेकर गंभीर है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने अखबार जनता में थ्री विक्टिम्स नाम से एक एडिटोरियल लिखा था, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के दबाव व इंग्लैंड की जनता को खुश करने के लिए उन्होंने इन्हें फांसी दे दी। उनके अनुसार इंग्लैंड की ज़्यादातर जनता व कंजर्वेटिव पार्टी गांधी को बिना शर्त रिहा किए जाने व गांधी की पार्टी के साथ समझौते को लेकर पहले से ही लेबर पार्टी व इरविन से नाराज़ थी। इरविन अंग्रेजी अफसर की हत्या करने वालों को छोड़कर लेबर पार्टी को मौका नहीं देना चाहते थे। और दूसरी बात यह भी है कि भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी कराची अधिवेशन के केवल 2-4 दिन पहले ही दी गई। इरविन अगर स्वयं समझौते को तोड़ना चाहते तो भला इसे अच्छा रास्ता उनके पास और कौन सा होता। अतः केवल इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स के क्रोध से बचने हेतु उन्होंने भगत सिंह व उनके साथियों का बलिदान कर दिया। लॉर्ड इरविन के एक बायोग्राफर एंड्रयू रॉबर्ट लिखते हैं, जब गांधी ने इरविन से भगत सिंह के मृत्युदंड को हल्का करने की प्रार्थना की तो वह रात इरविन ने बिना सोए सोच में गुजारी और अगले दिन उन्होंने मृत्युदंड को कम करने से मना कर दिया और उसके बाद भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। INA के सैनिक जनरल मोहन सिंह कहते हैं, लेकिन गांधी अपनी झूठी अहिंसा की धारणा से ऊपर नहीं उठ सके, क्योंकि अगर भगत सिंह छूट जाते तो क्रांतिकारियों को बड़ा बल मिलता, जिसे गांधी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियन सीता रमैया ने लिखा है, गांधी ने स्वयं वायसराय से कहा था कि अगर लड़कों को फांसी देनी ही है तो उन्हें कराची अधिवेशन से पहले ही फांसी दे दो, ना कि बाद में। इस तरह हम देखते हैं कि जितने मुंह हैं उतनी बातें। गांधी स्वयं भी अपने पक्ष में दलील पेश करते हैं तो उनकी बातों का खंडन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अगर इस पूरे मुद्दे को निष्पक्षता के साथ देखने की कोशिश की जाए तो एक बात तो स्पष्ट है कि गांधी किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ थे और किसी भी व्यक्ति को फांसी देने के विरोधी थे। और दूसरी बात यह आती है कि अंग्रेज स्वयं भी गांधी की कितनी बात मानते थे यह कहना मुश्किल है। वह खुद कुछ समय पूर्व जेल से रिहा हुए थे। इस दृष्टि से देखने से लगता है कि भगत सिंह की फांसी को रुकवाना गांधी के वश की बात थी ही नहीं। इसे रुकवाने में व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कई प्रयास किए थे, पर सब विफल हुआ। दूसरी ओर बात यह आती है कि क्या गांधी जी ने अपनी तरफ से इस फांसी को रुकवाने का पूरा प्रयास किया था। गांधी ने इस बारे में इरविन से कई बार बात की थी और इरविन ने फांसी की सजा को रोकने से साफ इनकार कर दिया था। अतः गांधी ने उनसे सजा की तारीख को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इरविन पर स्वयं भी ऊपर से दबाव था और वह खुद क्या चाहते थे यह शायद इरविन को ही ज़्यादा अच्छे से पता हो। पर बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर गांधी के लिए भगत सिंह की ज़िंदगी इतनी ही बहुमूल्य थी तो उन्होंने गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई को समझौते की एक शर्त क्यों नहीं बनाया। गांधी जी ने तो इस बात की सफाई इस तरह दी थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी उसके इस फैसले के पक्ष में थी और वह इस विषय में वायसराय से अलग से बात करेंगे, पर क्या जनता उनके इस फैसले के पक्ष में थी। भले ही अंग्रेज भगत सिंह की रिहाई को समझौते की एक शर्त मानने से इनकार कर देते और समझौते को तोड़ने के बाद भी फांसी दे देते, पर यह उन क्रांतिकारियों के जीवन की अंतिम उम्मीद थी जिनको उन्होंने तोड़ दिया था। गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर तो भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन संगठन के रूप में जो कांग्रेस की शक्ति उनके पास मौजूद थी उससे वे कतराते रहे, और जिसका कारण शायद उनके अहिंसा के उसूल थे। लेकिन इस बात पर भी कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब गांधी किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देने के खिलाफ थे तो वे अबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट के मुद्दे पर भगत सिंह का पुरजोर पक्ष ले सकते थे, क्योंकि अगर उनके नज़रिए से भगत सिंह ने पाप भी किया था तो गांधी का तो यही उसूल था कि पाप से घृणा करो ना कि पापी से।
वे इस मुद्दे पर मृत्युदंड के विरोध में क्रांतिकारियों के साथ खड़े हो सकते थे। ये बात अलग थी कि ब्रिटिश सरकार उनकी बातों पर ध्यान देती या नहीं, लेकिन लोगों को यह विश्वास हो जाता कि वे पूरे दिल के साथ भगत सिंह के साथ हैं। और शायद यही एक टीस है जो लोगों के दिलों में रह गई, जिस कारण लोग इस विषय में दो घड़ों में बटे नजर आते हैं।